लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सस्काल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसे प्लैनेट की महादशा के बारे में जो कि अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाओ। और ये प्लैनेट मेरे फेवरेट प्लैनेट है, वो इसलिए है क्योंकि इस प्लैनेट ने मुझे बहुत सीख दी है लाइफ में। जब जब लाइफ में मुझे कहीं से ठोकर मारी है किसी ने, या वक्त ने ठोकर मारी है, या मैंने स्ट्रगल फेस किया है, तब तक ये प्लैनेट मेरे ऊपर एक समझ ले वरदान बनकर आए हैं और मुझे लाइफ में कुछ सिखा कर गए हैं। रिश्तों के साथ कैसे चलना है, किसके आगे झुकना है, किसके आगे नहीं झुकना, कर्म कैसे करने हैं, आपके कर्म, आपका स्वभाव, आपका हार्डवर्क, आपका पैशन, आपकी लिमिटेशन, आपकी बाउंड्री, मनी स्पेंडिंग को लेकर, मनी सेविंग्स को लेकर इस प्लैनेट ने मुझे बहुत ज्ञान दिया। इस प्लैनेट का नाम है शनि। शनि देखें, बहुत सारे लोग मुझे कंसल्ट करते हैं बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा। तो जैसे कि सावन चल रहा है तो मैं आज शनि की महादशा के बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भगवान शिव की कथा, क्योंकि सावन चल रहा है उसका उच्चारण ना हो तो फिर वीडियो बनाने का कोई मज़ा नहीं आएगा। सो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे हमें बहुत सीख मिलेगी, एक ऐसी लीला बताने जा रहा हूँ जिससे हमें बहुत सीख मिलेगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, भोले की फौज करेगी मौज और करती है मौज। सिर्फ चीज़ क्या होती है कि जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। मेरे माता पिता की लंबी उम्र दे दो, मेरे को पैसा दे दो, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, शादी करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, बच्चे दे दो, शादी नहीं हो रही थी पहले, शादी के लिए मांग रहे थे बाबा जी से, वाहिगुरु जी से या भोलेनाथ जी से। फिर उसके बाद शादी हो गई तो फिर मांगने लग गए बच्चे को लेकर कि प्रभु अब एक बच्चा दे दो। एक बच्चा हो गया फिर मांगने लग गए प्रभु अब दूसरा बच्चा दे दो। यानी हमारी जो डिमांड है हमारे भगवान शिव से, या आप जिस भी धर्म से हो, आप मुस्लिम धर्म से हो, सनातन धर्म से हो, आप सिख धर्म से हो, आप कैथलिक हो, आपकी डिमांड्स कभी भी आपके गॉड से या हमारी सनातनियों की डिमांड अपने गॉड से ख़त्म नहीं होती। और भगवान यही लीला अपनी रचते हैं और देखते हैं कि ये बंदा जब मेरे पास आता है ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ मांगता है या सिर्फ दुनिया के लिए, दुनिया की जिसको बोलते हैं खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए मांगता है या अपने स्वार्थ के लिए कुछ मांगता है। जैसे कि मैं जाऊँ और मैं बोलूँ सर भगवान शिव मुझे बहुत अमीर बना दो, मैं बड़ी लग्जरी जीना चाहता हूँ, नई गाड़ी दिला दो, दुबई में वीला दिला दो, लंदन में वीला दिला दो, तो ये सब चीज़ें ना कोई मायने नहीं रखती। अभी मेरे एक दोस्त थे पीछे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे गाड़ी में, तो वो मुझे बोल रहे थे, वो मुस्लिम धर्म से हैं, तो मैंने उनको बोला सावन का महीना इस बार नियर अबाउट 2 मंथ्स का है, यानी कि 8 सोमवार हैं। कहता अच्छा, तो कहता है सावन के महीने में क्या होता है। मैंने कहा भगवान शिव से सच्चे दिल से जो भी मांगो वो आपको मिलता है। तो कहता मैं भगवान शिव से आपके मांगता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ लेकिन मैं मांगता हूँ मुझे 2 लाख दिरहम दे दो। तो मेरे को उनकी बात सुन के अंदर से बड़ी हंसी आई, लेकिन मैं रिएक्ट तो कुछ कर नहीं सका क्योंकि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। रिएक्ट इसलिए नहीं कर सका कि मैं उनके सेंटीमेंट्स को, फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा मांगा भी तो क्या इस इंसान ने, सिर्फ 2 लाख दिरहम जो भोले भंडारी हैं, जो इंसान के, जिसको देवों के देव महादेव कहा जाता है, जो काल हैं, काल का भी एक मुंह को बदलने का, काल का रास्ता बदलने का दम रखते हैं, उनके लिए 2 लाख दिरहम, वो भी UAE के, क्या चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, मैंने सोचा यार शायद इस बंदे की सोच ही छोटी है कि ये सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसने ये नहीं बोला कि मेरे माँ बाप को तंदुरुस्ती दो या दुनिया में बरकत आए, हर इंसान आगे बढ़े ज़िंदगी में। देखिए, जब हम साफ नीयत के साथ कोई पाठ पूजा करते हैं ना, तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में बहुत पड़ता है। अगर आप कोई पुण्य करेंगे उसका भी प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे, आपकी फैमिली पे पड़ेगा। अगर आप कोई पाप करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, तो उसका भी प्रभाव आपकी फैमिली पे पड़ेगा। और इन्हीं सब चीज़ों को शनि जो है एनालाइज करते हैं, आपके कर्म, आपका हार्डवर्क। देखिए, शनि की जो दशा है, भगवान शिव ने शनि की संरचना की सूर्य पुत्र के रूप में। मैं आपको कुछ व्याख्या करूँगा, भगवान शिव की लीला इसमें आती है। सूर्यदेव की पत्नी थी, जो पत्नी थी वो तपस्विनी थी, उससे 2 बच्चे थे, यम और यमी। और वो एक दिन ना उसने अपनी छाया पैदा की, यानी अपनी छाया पैदा की, सेम स्वरूप, सेम शक्ल, सेम बातचीत करने का तरीका। और अपनी छाया से वो बोली कि मैं जा रही हूँ जंगलों में तपस्या करने, और मेरे बच्चों का तूने ध्यान रखना।
और सूर्यदेव को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं जंगलों में हूँ, तो तूने पत्नी का रोल अदा करना है। तो उस छाया से एक पुत्र पैदा हुआ जो था शनि। अब शनि एकदम काले थे, एकदम ब्लैक, क्योंकि वो छाया से पैदा हुए थे। हालांकि माँ उनकी गोरी थी छाया, लेकिन जो शनिदेव थे वो एकदम काले थे। तो जैसे ही सूर्यदेव ने शनिदेव को पकड़ा, तो शनिदेव ने सूर्यदेव को ग्रस्त कर दिया। तो उसी दिन से सूर्यदेव को शनि से घृणा हो गई कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, इतना काला, मैं इतना ज़्यादा चमकदार, इतना ज़्यादा सूर्य प्रकाश देने वाला, और मेरा बेटा इतना काला। तो उनको ना उनसे नफरत होगी शनिदेव से। तब ये सारी जो संरचना थी भगवान शिव के द्वारा की गई थी। तो सूर्यदेव शुरू से ही शनिदेव से अपनी शत्रुता का रखते हैं अभाव। सूर्य अगर आप समझ लें गवर्नमेंट है, और शनि जो है वो प्रजा है, लेकिन जो स्थान है ग्रहों में शनिदेव का, वो न्यायप्रिय का है, जो भगवान शिव ने ही शनिदेव को दिया। अब एक बार क्या हुआ कि शनि की साढ़े सती या शनि की समझ ले छोटी पनौती, 2.5 साल की जो होती है, एक दिन भगवान शिव के पास शनिदेव गए, बोलते प्रभु मैं ना कल से आपके ऊपर आऊँगा, क्योंकि मेरा टाइम आपके ऊपर आने का स्टार्ट हो रहा है। तो आप भगवान हो, देवों के देव हो, तो मैं इसलिए आपको पहले अलर्ट करने आया हूँ। तो भगवान शिव कहते ठीक है, आप सुबह 4:30 बजे कल आ जाएं, तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अब भगवान शिव ठहरे बोले, तो उन्होंने भी सोचा यार ये तो शनि तो डंडनी है, तो अब कुछ करना चाहिए। यहाँ पर भी एक लीला है, आप उसको समझने की कोशिश करें। तो भगवान शिव क्लास पर वो छोड़ कर 4:30 बजे से पहले अगले दिन सुबह धरती पर आ गए, और मवेशियों के बीच मवेशी बन के घाय चरने लग गए। सारा दिन बीत गया, सूर्य अस्त हो गया, तो शिव भगवान अपने स्वरूप में आए, कैलाश पर्वत की ओर चल दिए, रास्ते में शनि मिला। तो भगवान शिव ने बोला, आपने बोला था सुबह 4:30 बजे आने का, आज तो आप आए नहीं, कल आना। तो शनिदेव ने हाथ जोड़े और बोला, प्रभु मेरे भय की वजह से ही आपने कैलाश पर्वत को छोड़ा है, और सारा दिन देवों के देव महादेव प्रभु शिव मवेशियों के बीच गाय बनकर घास चरते रहे। तो कहने का मतलब ये है, शनि की जो दृष्टि है उससे अगर कोई बच सका है तो वो है भगवान गणेश या हनुमान जी। अब वो भी मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझा देता हूँ। गणेश भगवान जो थे, वो आप समझ के चलें कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी। तो शनिदेव उनके पास गए, प्रभु 7.5 साल की दशा आप मेरी 7.5 सती आपके ऊपर स्टार्ट होने वाली है, तो मैं कल से आपके ऊपर आने वाला हूँ। तो गणेश भगवान कहते ठीक है प्रभु, मैं आपका मान रखूँगा, आप आ जाएं, तो पर एक शर्त है, मेरी पीठ पे लिख दें कि मैं कल आऊँगा। तो शनि भगवान ने उनकी पीठ पे लिख दिया, मैं कल आऊँगा। अब अगले दिन सुबह जब शनिदेव गणेश भगवान की तरफ पहुँचे, तो उन्होंने गणेश भगवान ने पीठ करके अपनी बैठ गए, शनिदेव ने पढ़ा मैं कल आऊँगा, वो वापस चले गए। ऐसे शनिदेव कभी भी गणेश भगवान के ऊपर नहीं आ सके, क्योंकि जब भी शनिदेव गणेश भगवान के पास जाते थे तो गणेश भगवान अपनी पीठ करके बैठ जाते थे, ऊपर लिखा हुआ था मैं शनिदेव कल आऊँगा, तो वो वापस चले जाते थे। अब दूसरे भगवान है हनुमान जी, भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार। क्या होता है कि यहाँ पर दो तथ्य हैं, दो कहानियाँ हैं। पहले तो मैं आपको एक बताऊँगा, जब हनुमान जी ने लंका दहन की, उस समय रावण के पास बहुत शक्तियाँ थी भगवान शिव से हासिल की हुई। तो रावण ने क्या किया, जब शनि की दशा उसके ऊपर आने लगी, तो रावण ने शनि को गले से पकड़ा और अपने चार पाई के पाओ के साथ बांध दिया। शनि तड़पड़ाए, बिलमिलाए, ये क्या हो रहा है। तो रावण ने क्या किया, कारावास में टांगे ऊपर और मुंह नीचे शनिदेव को लटका दिया। अब जब हनुमान जी ने लंका को दहन किया, लंका को जलाया, तो वो लंका को जलाते जलाते उस कारावास में पहुंच गए जहां पर शनिदेव उल्टे टंगे हुए थे। तो वहां पर शनिदेव को उन्होंने सीधा किया, यानी कि चुंगल से मुक्त करवाया और आजाद कर दिया। तब से शनिदेव ने कहा कि जिस घर में हनुमान जी की भक्ति होगी, जिस घर में हनुमान जी की लीला होगी, उच्चारण होगा हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, संकट मोचन का, या जिस घर में चमेली के तेल का 4 मुंह वाला दिया जलेगा, उस घर में मेरा बुरा प्रकोप कभी नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भगवान शिव की जो संरचना है शनि को लेकर, वो इंसानों के नहीं बल्कि ग्रहों के कर्मों को लेकर आधारित है। अब यही एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। चंद्रमा के ऊपर ही शनि की 7.5 सती को कैलकुलेट क्यों किया जाता है, क्योंकि जो 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की बीवियाँ हैं,
और जो स्थाई नक्षत्र चंद्रमा की बीवी है उसके जो पिता है वो राजा दक्ष है। एक तरफ से हम देखें तो चंद्रमा और भगवान शिव सांडू हुए, वो कैसे हुए? सती जो थी वो भी दक्ष की बेटी थी, और जो 27 नक्षत्र हैं ये भी दक्ष की बेटियां हैं, और चंद्रमा की शादी इन 27 नक्षत्रों से हुई पड़ी है। लेकिन चंद्रमा का प्यार सबसे छोटी बीवी रोहिणी से था, तो वो 26 बीवियों की ओर ध्यान नहीं देता था। तो 26 की 26 बीवियां उनको अपने पिता को बोलती थी, तो राजा दक्ष इग्नोर करते रहते थे कि चलो धीरे धीरे चंद्रमा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब चंद्रमा ने अति कर दी, वो 26 बीवियों की ओर ध्यान देना ही शुरू खत्म कर दिया, सिर्फ रोहिणी के कक्ष में वो बैठे रहते थे। तो दक्ष ने गुस्से में आकर चंद्रमा को, मैं आपको शॉर्टकट में सारा कुछ बता रहा हूँ, चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जिस सुंदरता को लेकर तेरे अंदर घमंड है वो तेरे से छिन्न हो जाएगी। अब अगर चंद्रमा की सुंदरता ही छिन्न हो जाए तो जो नेचर है ये कैसे चलेगी? रात को चंद्रमा से प्रकाश, सूर्य से उधार रोशनी लेकर, सूर्य की बैक साइड पे मून है, तो वो कैसे अपना रात को प्रकाश देगा और कैसे सृष्टि चलेगी? तो उस समय सबने ये बोला भगवान शिव की उपासना करें, और चंद्रमा ऑलमोस्ट क्षीण हो चुके थे, यानी कि उनके ऊपर कोड पड़ चुका था। तब महामृत्युंजय का पाठ हुआ, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ हुआ, 108 पंडितों ने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया, भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, तो सबने बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि मैं चंद्रमा को 15 दिन का ऐसा वरदान दे सकता हूँ कि जिससे इसकी शक्ति इसके पास रहे। तभी भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने माथे पर सजा लिया कि 15 दिन फुल मून, 15 दिन वैक्सिंग मून, 15 दिन चंद्रमा छोटा हो रहा है, 15 दिन चंद्रमा बड़ा हो रहा है, अमावस आ रही है, पूर्णमासी आ रही है। जब जब दक्ष का श्राप चंद्रमा पे लगता है तो चंद्रमा छोटा होता जाता है, लेकिन जब जब भगवान शिव की ब्लेसिंग चंद्रमा पे आती है चंद्रमा बड़ा होता जाता है, फुल मून होता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सृष्टि की लीलाएं हैं, ये भगवान शिव ने ये जो लीलाएं रची हैं ये सृष्टि को आगे लेके जाने के लिए रची हैं। जब जब सृष्टि पे कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं भगवान शिव ने उनका समाधान निकाला है। अब ऐसी एक प्रॉब्लम थी, समुंदर मंथन के समय अमृत निकला, अमृत तो सारे देवता पी गए, राहु ने भी छल से अमृत पी लिया, गुस्से में आके विष्णु भगवान ने उसका धड़ अलग कर दिया, मुंडी अलग कर दी, राहु और केतु बन गए, और बाकी सूर्य चंद्र मंगल बुध यानी जो भी प्लैनेट हैं इन्होंने अमृत पी लिया और ये अमर हो गए। इंद्रदेव ने भी अमृत पिया, वो भी अमर हो गए। लेकिन अब विष की बारी आई, विष कौन पिए? जब समुंदर से विष निकला तो उस विष की कुछ बूंदें पानी में भी चली गई। तो सांपों की 3 जातियां होती हैं, एक जाति होती है वैश्विनी नामक सांप की, तो कुछ जहर उस सांप ने भी पी लिया, और भगवान शिव ने जो बाकी जहर था वो पिया, और दुर्गा माता ने पार्वती माता ने आप बोल लें कि अपने उनके कंठ पे हाथ रख के उसको वहीं पे स्थापित कर दिया। बड़े लोगों के अंदर ये गलत भावना है भगवान शिव भंग पीते हैं, नशा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भंग इसलिए पीते हैं कि हर 2-4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो जहर जो उनके कंठ में है जिसकी वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है, वो भगवान शिव को तंग करता है, जिस वजह से जो भंग होती है वो ठंडी होती है। भंग पीने से वो जो जहर का प्रभाव है वो कम हो जाता है, इस वजह से भोलेनाथ भंग पीते थे। वो कोई शराबी नहीं थे, वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे कि जिससे आपको ये लगे यार भगवान शिव भंग पीते थे, मैंने 2 पैक पटियाला के लगा लिए तो क्या फ़र्क पड़ा। नहीं, भगवान शिव इसलिए भंग पीते थे कि उनके गले में विष था, उस विष को शांत करने के लिए वो भंग पीते थे। सो ये लॉजिक है सर, सावन का महीना चल रहा है तो मैं आपके साथ ये कथाएं कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे, टॉपिक है शनि की 19 साल की दशा। देखिए बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे बोलते हैं सर हमारा शनि उच्च का है, हमारा शनि अपनी राशि का है, मकर का है, कुंभ का है, हमारा लगन ही कुंभ का है, लगन में शनि है, हमारा मकर लगन है, 2nd हाउस में शनि, 11th हाउस में शनि, 9th हाउस में शनि, 10th हाउस में शनि, 6th हाउस में या 9th हाउस में या 3rd हाउस में शनि है। लेकिन वो ये अक्सर भूल जाते हैं कि हर ग्रह की अपनी एक नेचर होती है, जैसे हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम है अमित कपूर, आप मुझे लॉस एंजलिस के एक होटल में बैठा दें, ठीक है, और मैं बिलोंग्स करता हूँ लुधियाना से, पंजाब से, तो आप मुझे लुधियाना के होटल में बैठा दें, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में,
या होटल में, अब समझ ले क्योंकि लॉस एंजलिस में तो ढाबा होगा नहीं, अब जो मेरी खाने पीने का स्टाइल पंजाब लुधियाना में है मैं उसी तरीके से लॉस एंजलिस में भी ऑर्डर करूँगा। कहने का मतलब ये है कि शनि जहाँ पर भी बैठा हो हमने उसको बाद में कंसिडर करना है, पहले उसकी नेचर क्या है, प्लैनेट की नेचर क्या है। अब जैसे कल मैंने राहु पे वीडियो बनाया उसके बारे में मैंने बताया कि ये छलिया है, कपटी है, देने पे आए तो बहुत देता है, लेने पे आए तो पता नहीं क्या क्या फाड़ देता है इंसान का, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सॉरी टू से आई एम यूजिंग रॉन्ग लैंग्वेज बट फैक्ट इज फैक्ट, आदमी को आसमान से फर्श तक ले आता है। लेकिन शनि क्या है, शनि कर्म फल दाता है। देखें जो महादशा है विशोत्री महादशा वो कहाँ से शुरू होती है, चक्कर कहाँ से शुरू होता है, इसका पहला आता है सन महादशा, फिर आता है चंद्रमा की महादशा, फिर आती है मंगल की महादशा, फिर आती है 18 साल की राहु की महादशा, फिर आती है गुरु की महादशा 16 साल की, फिर छठे नंबर पर आती है शनि की 19 साल की महादशा। छठा नंबर यानी कि छठा घर, छठी राशि, या हम बोल सकते हैं छठा हाउस क्या है, स्ट्रगल। जिनके ऊपर भी शनि की महादशा 19 साल की चल रही है आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपके शनि उच्च के हैं, नीच के हैं, नीच के हैं ज़्यादा तंग करेंगे, उच्च के हैं तो कम तंग करेंगे, लेकिन आपके इम्तिहान ज़रूर लेंगे। वो इम्तिहान क्या होंगे, आपको पेशेंस से चलना है, आपको लॉयल्टी से चलना है, ऑनेस्टी से चलना है, किसी का फ्रॉड नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, किसी के साथ जुल्म नहीं करना, किसी का पैसा नहीं रखना, देर सवेर सबके पैसे हाथ जोड़कर वापस करने हैं। सिचुएशन ऐसी होती है कि आदमी फंस जाता है, वक्त बुरा होता है, इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप ही बुरे हो, आपकी नीयत ही बुरी है, फिर शनि आपको बहुत ज़्यादा झिझोड़ देंगे, क्योंकि शनि का काम ही है आपको दंड देना। 19 साल की दशा है, शनि आपके लगन में है तो आपका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि को अच्छा नहीं माना गया फर्स्ट हाउस में, चाहे वो लिब्रा साइन में क्यों ना हो। शनि अगर कहीं पर अच्छे हैं तो वो 3, 6, 10 और 11 हाउसेज में, क्योंकि मैलिफिक प्लैनेट इन हाउसेज में अच्छा फल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि शनि की प्रवृत्ति हार्डवर्क है, शनि देखता है आपका हार्डवर्क कितना है, आपकी डेडिकेशन कितनी, ऑनेस्टी कितनी है, आपके अंदर पैशन कितना है, आपके अंदर जुनून कितना है, किस शिद्दत के साथ आप काम कर रहे हैं, किस शिद्दत के साथ आप हार्डवर्क कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लॉयल है रिश्तों के प्रति, कितना ज़्यादा करेक्टर अच्छा है, कितने ज़्यादा स्पाउस के प्रति अच्छे हैं, कितने ज़्यादा आप स्पाउस के प्रति लॉयल हैं, लोगों के साथ झूठ तो नहीं बोलते, लोगों के साथ ब्लफ तो नहीं करते, लोगों के साथ बंडलबाजी तो नहीं करते। आपके ऊपर शनि की दशा है, आपके ऊपर कर्जे हुए पड़े हैं ना, तो किसी को ये मत बोले भैया कल आओ पैसे ले जाओ, क्लियर टॉक, क्लियर एवरीथिंग, आई डोंट हैव मनी, आई विल पे यू आफ्टर 6 मंथ, आई विल पे यू आफ्टर 1 ईयर, गिव मी सम टाइम, टॉक क्लियर। अगर आप क्लैरिटी से चलेंगे तो शनि हमेशा आपके फेवर में होंगे। आपके सामने 19 सालों में ऐसे इवेंट आएंगे जब शनि आपकी आपका इम्तिहान लेंगे, और अगर उस इम्तिहान में आप पास हो जाते हैं तो शनि जो आपको देंगे वो फॉर एवर के लिए देंगे। शनि के अंदर एक खूबी है, या तो वो जल्दी कहीं देते नहीं, जल्दी कहीं मनुष्य से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जब देने पे आते हैं तो वो ऐसी चीज़ें देती हैं, देते हैं जो स्थिर रहती हैं, आपके पास सारी जिंदगी रहती है। तो शनि का आपकी कुंडली में प्लेसमेंट क्या है उसकी बात हम बाद में करेंगे। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द शनि महादशा, या इफ शनि महादशा इज रनिंग इन योर बर्थ चार्ट, इट मीन्स यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ योर हार्ड वर्क, इन द टर्म्स ऑफ योर डेडिकेशन। अपनी लिमिटेशन में रहें, बाउंड्री से बाहर बिल्कुल ना जाएं, शनि रिस्ट्रिक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, टैक्सेस बिल टाइम पे करें, लीगल मैटर से दूर रहें, किसी का झूठ ना किसी को बोलें, किसी से फरेब ना करें, किसी का हक ना मारें, तो यू विल बी ऑन ए बेटर पोजिशन। अगर आप हक मारेंगे, फ्रेब करेंगे, झूठ बोलेंगे, अयाशी करेंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, तो 19 साल की शनि की दशा आपको मेंटली जो डिस्टर्बेंस देगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, आपका कारोबार चौपट हो जाएगा, यू विल फेस लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। देखिए एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल है इस धरती पर, मैं बार बार बोलूँगा एनर्जीज प्ले अ बिग रोल, चाहे वो राहु की एनर्जी है, चाहे गुरु की है, चाहे शनि की है, चाहे सूर्य देव की, चाहे चंद्र देव की, चाहे मंगल की, चाहे आप बुद्ध की एनर्जी समझ लें, प्लैनेट्स की एनर्जी प्ले अ बिग रोल। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यूर यू नो मेंटल थाट्स, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यूर कर्मा, किस तरह के आप, शनि की दशा है आप गरीब लोगों की मदद करें, हर शनिवार रात को गरीब लोगों को खाना खिलाएं, कुछ चैरिटी दें, अपने नौकरों के साथ कभी बदतमीजी से पेश ना आए, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कभी बदतमीजी से पेश ना आए, बल्कि अपने एम्प्लॉइज़ को रिस्पेक्ट दें।
शनि की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो बंदा भिखारी से राजा बन जाता है और उसका फिर राज संघासन कोई छीन नहीं सकता। ये शनि की खूबी है। राहु जो देगा, कभी देगा कभी लेगा, कभी देगा कभी लेगा, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय, ये राहु की नेचर है। लेकिन शनि की नेचर है या तो देना ही नहीं, अगर देना है तो फॉरएवर के लिए देना है, फिर कोई प्लैनेट के अंदर पावर नहीं है कि शनि की दी हुई ब्लेसिंग्स को आपसे वापस ले। सो अगर आपके ऊपर 19 साल की शनि की दशा है, जितना ज़्यादा हो सके अपने एम्प्लॉयज के साथ कॉपरेट करें, उनको सैलरी टाइम पे दें, इवन उनको ज़्यादा सैलरी दें, या आप अपने गरीब लोगों को अपने इर्द गिर्द खाना खिलाएं, मेडिकल हेल्प किसी को सैटरडे वाले दिन करें, जितना ज़्यादा काम होके चलेंगे, पोलाइट होके चलेंगे, डाउन टू अर्थ होके चलेंगे और अपनी लिमिटेशन में अपनी हैसियत में चलेंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, उतनी ज़्यादा शनि की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और ज़िंदगी में आप ग्रो करेंगे। शनि की महादशा के लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, देखें आप जो कुछ मर्जी करें ज़िंदगी में, लेकिन किसी को चीट ना करें। जो दुआ है और बददुआ ये बहुत बड़ा काम करती है। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मैं इस दुनिया के हर इंसान के लिए बोल रहा हूँ कि आपकी दुआ, आपके जो एक्शंस हैं सामने वाले के प्रति, वो हर बंदा आपसे कोई ना कोई परेशान होगा, कोई अच्छा भी होगा, कुछ भी होगा, वो आपको दुआ देगा, प्रेस करेगा, आपको भगवान से दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला से, भगवान शिव से दुआ मांगेगा आपके लिए, आप फूलोगे फलोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आप तंग करते हो, वो आपको बददुआ देंगे और वो बददुआ भी आपके ऊपर लगेगी अगर शनि की महादशा चल रही है। तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखकर शनि की महादशा में अपनी परफॉर्मेंस दें। आपका काम है परफॉर्म करना, शनि का काम है उस परफॉर्मेंस को चेक करके आपको, जैसे आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपकी फाइल को चेक किया कैनेडा एम्बेसी ने, आपने उन्होंने देखा नहीं यार ये बंदा जाकर वापस नहीं आएगा, रिफ्यूज़, या आपकी फाइल को देखा यार ये बंदा जाकर वापस आ जाएगा, ओके, शनि इज़ लाइक दैट। तो आपने परफॉर्मेंस देनी है, यू परफॉर्म योर बेस्ट इन सैटर्न महादशा विद ऑनेस्टी, डेडिकेशन, लॉयल्टी, फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर, लिमिटेशन, बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शन, पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करें, पैसा बहुत मुश्किल से कमाओगे आप, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन पैसा कमाओगे ज़रूर अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो। लेकिन शनि साथ साथ में आपको उत्पीड़ता, आपको परेशानी देते रहेंगे, उसके बाद आपको कुछ अच्छे रिजल्ट शनि से मिलेंगे। अगर आप शनि की दशा में हो, आप परेशान हो, तो आपने गरीब लोगों को भोजन कराना है शनिवार रात को, आपने भगवान शिव की उपासना करनी है हर रोज़ सुबह 3 बार 5 बार 7 बार भगवान शिव की, भगवान शिव चालीसा, शिव चालीसा पढ़ के आपने डे स्टार्ट करना है। हर रोज़ रात को 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करने हैं 3 बार 5 बार 7 बार, हनुमान चालीसा हर रोज़ शाम को उच्चारण करनी है। ये सब चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखेंगी। नीलम डालना है कि नहीं डालना वो डिपेंड करता है आपका लग्न कौन सा है, शनि कहाँ पर प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस्ड है या नहीं प्लेस्ड है, वो डिपेंड करता है। बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर परफॉर्मेंस, बिकॉज इन शनि महादशा परफॉर्मेंस प्ले अ बिग रोल। इफ़ यू परफॉर्म बेस्ट विद लॉयल्टी, डेडिकेशन, क्योंकि शनि की दशा में कुछ भी ईजी नहीं मिलेगा, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, यू नो, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स, हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव, नमस्कार, सत श्रीकाल, सलाम, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।